दुनिया में 3000 से ज्यादा लोगों की मौत कोरोना वायरस के कारण हुई है और करीब 1 लाख से ज्यादा लोग इससे प्रभावित हुए हैं। दुनिया के आर्थिक सेहत पर भी कोरोना का भारी प्रभाव पड़ रहा है। ग्लोबल इकोनॉमी पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। क्या असर पड़ रहा है कोरोना का ग्लोबल इकोनॉमी पर, देखें इस रिपोर्ट। चीन से पहले कोरोना की चपेट में दुनिया भर के कई देशों के आने से वैश्विक कारोबार में गिरावट की आशंका जाहिर की जा रही है। शेयर बाजारों पर इसका असर देखने को मिल रहा है। कारों की बिक्री में कमी दर्ज की जा रही है। निवेशक कोरोना वायरस को लेकर चिंतित है। शेयर बाजारों में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। ये पेंशन और व्यक्तिगत बचत खातों पर देखने को मिल सकता है। फरवरी के आखिर सप्ताह में दुनिया के प्रमुख शेयर बाजारों का प्रदर्शन बेहद खराब रहा। ये 2018 के वित्तीय संकट के बाद सबसे बुरा है। यूरोपीय और अमेरिकी शेयर बाजारों में थोड़ा सा इजाफा हुआ है, जब से ये उम्मीद जगी है कि कोरोना वायरस के खिलाफ अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए देश हस्तक्षेप कर रहे हैं। फॉरवर्ड कीज के आंकड़े दर्शाते हैं कि चीन से बुक की गई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें 2019 में इसी अवधि की तुलना में 55.9% पीछे है। ब्रिटेन के यात्रा उद्योग विशेषज्ञों ने चीनी पर्यटकों को घर पर रखने के बारे में चिंता जताई है। विजिट ब्रिटेन के अनुसार साल भर में सितंबर 2019 तक चीन से ब्रिटेन की 4,15,000 यात्राएं हुई। चीनी यात्राओं ने अपनी ब्रिटेन यात्रा के दौरान औसत से 3 गुना अधिक खर्च किया है। यदि बड़े पैमाने पर कार्यक्रम रद्द होते हैं तो उद्योग प्रभावित हो सकता है। लेकिन इसी के साथ कुछ क्षेत्रों में अच्छी खबर भी दिखाई दे रही है। उपभोक्ता वस्तुओं के दिग्गज कंपनी रिकेट बैनकाइजर ने डिटॉल और लाइजॉल की बिक्री में वृद्धि देखी है। इसके साथ ही सोने की कीमतों में भी वृद्धि देखी गई है। सोने को हमेशा से ही अनिश्चितता के वक्त में सबसे सुरक्षित माना जाता है। निवेशक इसे देख रहे हैं कि चीन के बाहर फैले कोरोना वायरस के डर से वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ मांग में और गिरावट आएगी। वैश्विक स्तर पर चीन 1/3 औद्योगिक विनिर्माण करता है और ये दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक है। हालांकि दुनिया का वर्कशॉप रहे चीन में कोरोना वायरस से फैक्ट्रियों की गति कम हो गई है। चीन से शुरू हुआ ये वायरस पूरी दुनिया में अपना पैर पसार चुका है, जिसकी वजह से दुनिया की इकोनॉमी पर काफी असर पड़ रहा है। भारत में भी इस वायरस के कुल 31 मामले सामने आ चुके हैं। अभी तक इस वायरस का कोई क्योर नहीं है, इसलिए केवल बचाव ही इसका एकमात्र उपाय है। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए देखते रहे कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।